वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अवन सेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू CDS, NDA, AFCAD, INET एंड टेरिटल आर्मी। शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे रियासतें अब खत्म हो चुकी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली, डच और फ्रेंच को खत्म कर दिया है और ये ईस्ट इंडिया, मतलब ये ईस्ट इंडिया का जो क्राउन है वो अब ब्रिटेन के पास आ चुका है। अब हमारी बात आएगी कॉमन मैन की। कॉमन मैन को अब अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है क्योंकि अब तक ये टैक्स अपनी रियासतें या सिपॉय जैसे लोग अपनी जो गन है उसमें जो ग्रीस यूज होता है गाय का या पिक का उसके लिए लड़ रहे थे। अब उनके लिए एक चीज लेकर आनी है, पेट्रोटिज्म। क्योंकि जब तक ये लोग एक नहीं होंगे और एक मुद्दे पे लड़ेंगे नहीं तब तक वो देश को आजाद नहीं करा सकते क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं होगी। अब इसमें इनको क्या करना था, जो अब सोशल रिफॉर्मर्स आएंगे उनको सोशल इवल्स पे काम करना था कि ये किसी तरह से खत्म हो जाए सोसाइटी से तो हम अपनी आजादी अपने आप ही पा लेंगे। वो थे कास्टिज्म, सुपरस्टिशन, स्टेटस ऑफ वुमेन, चाइल्ड मैरिज, ऑर्थोडॉक्स, सती प्रथा। इसमें सती प्रथा आपके लिए नहीं हो सकती, तो सती प्रथा मैं बता देता हूँ। मियाँ बीवी जब शादी करते हैं तो पहले क्या होता था, अगर मान लो उसका पति मर जाए बीवी का, तो उस पति की चिता के ऊपर औरत को जिंदा रख दिया जाता था और उसको भी जला दिया जाता था। तो इसे हम कहते हैं सती प्रथा। तो जैसे ही ये चीजें खत्म होंगी सोसाइटी से तो सोशल रिफॉर्मर्स का बिलीफ था नेशनलिज्म अपने आप जागरूक होगा क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि देश का विकास होना जरूरी है, उससे ही हमारा विकास होगा। और ये बात कैसे जागरूक होगी, लिटरेसी लाकर। क्योंकि हमारे देश में काफी लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे रहते हैं वो या तो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, जो लोअर कास्ट होती है उनको इस चीज से दूर रखा जाता है। तो यहाँ पर पहला नाम आता है राजा राममोहन रॉय का। राजा राममोहन रॉय का कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस। रेनिजेंस मतलब क्या होता है, रिवाइवल और रिन्यू इन इंटरेस्ट इन समथिंग। मतलब इन्होंने क्या किया था कि जो धर्म होते ना उनको कहा था कि जो इंडिया है वो ब्लेस्ड है बहुत सारे धर्मों के साथ और यही इस देश की खास बात है। कैसे, इन्होंने कहा देखिए हिंदू है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख है, तो ये इन सब में कुछ ना कुछ खास बात है। उन सभी खास बात को हमें एक जगह आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हिंदुइज्म में योगा बहुत पॉपुलर है, योगा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो उसे मुसलमान भी करे, सिख भी करे, सब लोग करें जिससे हेल्थ अच्छी रहे। तो ऐसी कुछ बातें मुस्लिम की जो कुरान है उसमें है, सिख की जो ग्रंथ है उसमें है, उन सबसे हम लें। इसमें उन्होंने एक बात और कही कि खाली हमें अपना ज्ञान अपने देश तक नहीं रखना चाहिए। मतलब हमने अपने धर्मों से सीख लिया, अब दुनिया में जो बाकी धर्म है जैसे ज्यूइश है, क्रिश्चियनिटी है, उससे भी हम कुछ सीखें और अपनी जो आज की सोसाइटी है उसमें इंप्लीमेंट करें। यहाँ पर जब वो आगे चलते हैं तो इन चीजों को आगे स्प्रेड करते हैं। उनके स्प्रेड करने का तरीका होता है किताबें लिख के। वो क्या करते हैं, किताबें लिखते हैं। पहली किताब होती है गिफ्ट टू मॉन्थिस। ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे भगवानों की या धर्मों की पूजा मत करो एक साथ। अगर ऐसा करोगे तो हमेशा एक धर्म और दूसरे धर्म में फ्रिक्शन रहेगा, रगड़ रहेगी कि कौन सा बेहतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि किसी एक की पूजा करो, वो सब लोग करें। तो सब लोग करेंगे तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा और सब लोग आस्था के साथ एक ही भगवान से जुड़े रहेंगे। कि सभी जो ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है। अब यहाँ पर दूसरी उन्होंने किताब लिखी ट्रांसलेशन ऑफ वेदास एंड उपनिषद इन बंगाली। उनका कहना था जो वेदास उपनिषद होते हैं बहुत ही रैशनल वे में हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पहले जो संस्कृत में थी अब उनको बंगाली में भी कर दिया जिससे देश के दूसरे हिस्से के लोग भी जान सके। फिर लिखी परसेप्ट ऑफ जीसस। परसेप्ट ऑफ जीसस क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते थे कि दूसरे धर्म से भी सीखना चाहिए, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छी बातों को भी एक जगह समराइज किया और जो उसमें खामियां है उसको भी समराइज किया और उस किताब का नाम रख दिया परसेप्ट ऑफ जीसस। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया आत्मत्य सभा, वो 1814 में आई एट कोलकाता में स्टार्ट हुआ। इसमें उन्हीं सोशल इवल्स की बात हुई जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की थी और भगवान में एक एक भगवान में विश्वास करने की बात रखी। इसके बाद ब्रह्मो समाज की बात करी। ब्रह्मो समाज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो हिंदुइज्म है उसमें कई नेगेटिव पॉइंट्स आ चुके थे, सती प्रथा, कास्टिज्म, वुमेन वुमेन को दबाए रखना, तो ये सारी चीजों को वहां पर खत्म करना ही था। तो ये यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई 1828, कौन थे राजा राममोहन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो सती प्रथा है उसको हिंदुस्तान से खत्म करने के लिए कानूनी तौर पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ राजा राममोहन रॉय ने इस कानून को पास करवाया कि ये कानून आप लाइए प्लीज, इससे हमारे देश का उत्थान होगा, ये जरूरी है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पार्लियामेंट के अंदर वहां पर
तब पास करवा दिया। इसके बाद आया वेदांता कॉलेज का मतलब गठन हुआ, जिस वजह से देश में कहीं ना कहीं एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट आया। इसके साथ हिंदू कॉलेज भी बना जो कि मदद की थी उसमें डेविड हैरे ने। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आया यंग बंगाल वुमेन, इसकी शुरुआत हुई थी हेनरी विमेन डेरेजो में। अब ये जो हेनरी विमेन डेरेजो है ये इंडियन ही है, ये नाम से ऐसा लग रहे हैं कि भाई कहीं यूरोप के होंगे, नहीं ये इंडियन ही है। ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, बेसिकली पोइट थे। ये क्या बात करते थे कि फ्रांस में अभी उस टाइम में इंडिपेंडेंस आ चुकी थी, तो वहां पर जो कॉइन टर्म हुए थे जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन चीजों को समझाया करते थे कि भाई ये होते क्या है, एकता क्या होती है, अखंडता क्या होती है, सोशल इक्वालिटी क्या होती है, जिससे इस देश में भी आए वो चीजें और हम उस राह पे चले। इसके बाद आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। एक है रविन्द्रनाथ टैगोर, एक है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो अभी हम देवेंद्र नाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। इसमें 1843 में ब्रह्मो समाज को इन्होंने आगे कंटिन्यू रखा जो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद इसी के अंदर इन्होंने फाइट की विडो मैरिज की, कि भाई एक औरत जो होती है, अगर आपने वो मूवी देखी हो रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो उनकी बाजीराव की मदर होती है उनका सिर मुंडन हो रखा होता है, उनके सिर पे बाल नहीं होते। रीजन क्या होता है कि वो विडो हो चुकी होती है, तो उनसे कुछ खुशियां चीजें मतलब छीन ली जाती हैं, जैसे वो अब वाइट साड़ी पहनेंगी, उनका सिर मुंडा हुआ होगा। तो इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और वुमेन्स की एजुकेशन को भी लेकर आए कि सोसाइटी तब तक अपलिफ्ट नहीं हो सकती जब तक वुमेन जो उसका इंपॉर्टेंट पिलर है वो एजुकेटेड नहीं है। इसके बाद 1839 में तत्वबोधिनी सभा की एक स्थापना हुई, उसमें इसकी पत्रिका भी छपती थी, मतलब मैगजीन भी छपा करती थी इसकी, और इसको कंटिन्यू करने का काम किया ईश्वर रंधा विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त ने। ये किसके असेसर थे, मतलब असेसर मैं कह रहा हूँ कि ये किसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था, ये देवेंद्रनाथ टैगोर, मतलब पहले स्टार्ट इन्होंने किया तत्वबोधि सभा, पर इसको कंटिन्यूएशन में कौन लेकर आया, ये दो लोग। अब इसमें आगे चलें, अब है प्रार्थना समाज, किसने स्टार्ट किया प्रार्थना समाज, था आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। ये भी उन्हीं चीजों पर बात करता, तो सोशल इवेल हमने बात की है, पर आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना रहता है कि इनकी शुरुआत की किसने है, क्योंकि यही एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। आत्माराम पांडुरंग, इनमें से कौन सी समाज इन्होंने स्टार्ट की, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, तो ऐसे एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने। अगला है कि लेटर ये जो थी प्रार्थना समाज, इसको आगे कंटिन्यू किसने किया, महादेव गोविंद राणा ने एंड आरजी बांद्रेकर ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहां पर याद करने वाली तीन चीजें हो गई, पहला कि प्रार्थना समाज की फाउंडेशन किसने की, वो थे आत्माराम जी 1867 में, उसको ज्वाइन किसने किया बाद में, महादेव गोविंद राणा ने एंड आर जी भांडेकर। अब आते हैं रामकृष्णा परमहंस के बारे में। रामकृष्णा परमहंस ने 1840 में परमहंसा मंडली की स्थापना की जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्म था, जो जैसे मैंने आपको बताया हिंदुइज्म में चेंज आना चाहिए, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, उस बारे में बात करा करते थे। उसके बाद उन्हें कास्टिज्म के अगेन फॉट किया, वो सारे जो सोशल ईवल थे नॉर्मल उन सब के बारे में बात की। आइडोलेट्री जो एक शब्द है उसका मतलब होता है मोनोथीस, मोनोथीस मतलब एक भगवान में आप आस्था रखें, इसका मतलब यही होता है, जो कि राजा राममोहन रॉय भी कहा करते थे। आगे चलते हैं, अगले हैं स्वामी विवेकानंद। ये तो बहुत प्रोमिनेंट नाम है, आपको पता ही होगा। ये जो इनके गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में अभी हमने 2 सेकंड पहले बात की। तो इनके जो स्टूडेंट मतलब इन्होंने अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनकी बात को ही कंटिन्यू रखा और अपने आप को इतना डेवलप किया कि इनको वर्ल्ड लेवल पे जाना गया और इनको बुलाया गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स शिकागो में, जो कि 1893 में हुई थी। ये सवाल पूछा जाता है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स इंडिया से किसने अटेंड की थी, वो थे स्वामी विवेकानंद। उसके बाद कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स को किसने अटेंड किया था 1900 में, तो वो भी थे स्वामी विवेकानंद। ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तब उस टाइम हिंदुइज्म पे सबसे बारी जो मास्टरी होती है वो इन्हीं की थी, स्वामी विवेकानंद जी की। इसके बाद डिक्लेयर वेदांता टू बी फुली रैशनल सिस्टम। देखिए हमारा जो धर्म होता है ना, कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे इमोशनली, तो आप हो सकते हैं आप एक कट्टरवादी इंसान बन जाए। आपने देखे भी होंगे कट्टरवादी इंसान, वो दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते। तो वो ये कहते थे कि वेदांता में हम किसी भी धर्म को रैशनल वे में देखते हैं, अपनी समझ और आज के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये वेदांता किसने फाउंडेड किया, स्वामी विवेकानंद ने। ओके, इसके बाद उन्होंने एक चीज और फाइंड की, मतलब फाउंड की, वो थी रामकृष्ण मिशन एंड मठ।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? बेलूर में। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब मैं जरा समराइज कर दे रहा हूँ रामकृष्ण मिशन को, आई मीन स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट थे रामकृष्ण परमहंस के, पहली बात। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन किसने अटेंड की 1893 में? वो थे स्वामी विवेकानंद। फिर कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री 1900 में अटेंड की इन्होंने। वेदांता डिक्लेयर किया, जो कि फुली रैशनल सिस्टम था, किसका? रिलीजन्स का, जो रिलीजन्स को आज के समाज के अकॉर्डिंग ढालने के लिए कहता है कि आज जो जरूरत है इस धर्म में उसे अपनाओ, जो नहीं है उसे फेंको। फिर उन्होंने क्या चीज दो फाउंड की? वो थी रामकृष्ण मिशन एंड मठ। ये दोनों ही सोशल रिफॉर्म्स के फॉर्म में थे कि समाज में सुधार होना चाहिए। उसका हेडक्वार्टर था बेलूर में। इसके बाद आता है दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने फर्स्ट टाइम कहा स्वराज्य। स्वराज्य में इन्होंने बात की इंडिया फॉर इंडियंस, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं, यहां से निकलो बाकी सब। फिर उन्होंने इस बात की स्थापना की कि आर्य समाज बने, और वो 1875 में बना, गठन हुआ इसका। इसके बाद उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा घर वापसी। अंग्रेज क्या कर रहे थे? दबाव डाल रहे थे हिंदुस्तानियों पे कि क्रिश्चियन बन जाओ, और क्रिश्चियन अगर वो बन जाएंगे तो उनको कई सारी बेनिफिट्स होंगे। तो जो उनको जिनको जबरदस्ती बिना अपनी मर्जी के चेंज करवाया जा रहा था क्रिश्चियन टू हिंदू, तो उन्हें वापस वो हिंदू में कन्वर्ट करवा रहे थे। इसके बाद इनकी मौत के बाद, दयानंद सरस्वती के बाद, दो लोग में ये चीज डिवाइड हो गई कि आर्य समाज को आगे कंटिन्यू कैसे किया जाएगा। वो थे गुरुकुला, जो कि बनाया था स्वामी श्रद्धानंद ने, गुरुकुला सेक्शन करके, और एक था डीएवी स्कूल, जो आज आप देखते हैं जगह जगह सीजी डीएवी जो स्कूल होते हैं, वो बनाया था लाला लाजपत राय ने एंड हंसराज ने। तो यहाँ आप आपको ये बात याद रखनी है। मैं दोबारा समराइज करता हूँ। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, इनमें डिवीजन हुआ। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल सेक्शन बनाया, गुरुकुला सेक्शन, और लाला लाजपत राय और हंसराज ने बनाया डीएवी स्कूल। अब आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी क्या कहती है? हर धर्म से सीखो, और हर धर्म आपसे एक ही बात कहेगा कि जो सच है, जो ट्रुथ है, वो सबसे बड़ा रिलीजन है। और स्पिरिचुअली भगवान से जुड़ने की कोशिश करो, ना कि मंदिर में पूजा और इन सब से। इन सोसाइटी की सबसे अच्छी बात क्या थी? ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करता था। ये खाली ये नहीं कहता था तुम इस धर्म के हो, तुम इस जात के हो, ये कहता था हम सब भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसमें आगे इन्होंने क्या बात की? जो एंशियंट रिलीजन है, मतलब जैसे हिंदुइज्म है, उसमें महाभारत, रामायण, इन सबको भी वो एक जगह लिखते थे, और इससे सिर्फ हमारी सोसाइटी को बेनिफिट क्या हो सकता है इस बारे में बात करते थे, ना कि किसी धर्म को आगे बढ़ाते थे। यहां से हम आगे चलें, तो जो उसका हेडक्वार्टर था वो इंडिया में अदायर था, मद्रास में 1879 में इसकी स्थापना हुई, और इसे जो फाउंड किया इंडिया में, एक प्रोमिनेंट नाम उभर के आई, वो थी एनी बेसेंट 1893 में। इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब मैं जरा एक बात यहाँ पर और बता दूं, ये थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई किसने? इनका नाम था बेलबेट्सकी एंड ऑल्सकॉट। ये था न्यूयॉर्क में, ये बात आपको याद रखनी है। अब आती है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये दोनों मियाँ बीवी थे। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपने इनका नाम हर जगह ही सुना होगा। पहले हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले की हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ज्योतिबा फुले जो थे, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो लोअर कास्ट होते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की बात की। इन पे इनके साथ ऐसा हाल था कि लोग इन्हें पत्थर तक मार दिया करते थे, इनकी वाइफ को भी और इनको भी। बट इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग रहती थी कि नहीं, सोसाइटी की अगर अपलिफ्टमेंट होनी है तो हर तदवा जो है, मतलब हर लेवल जो है हमारी सोसाइटी का, वो अपलिफ्ट होना ही चाहिए। तो लोअर कास्ट के लिए इन्होंने बहुत पढ़ाया लिखाया उनको, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर कास्ट को नेगलेक्ट कर दिया जाता था। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें इस बात को जागरूक करने की बात हुई, वो थी गुल्म आई मीन गुलामगिरी। तो ये बात आपको याद रखनी है, गुलामगिरी किसने देखी? वो थी ज्योतिबा फुले। अब आते हैं सैयद अहमद खान। देखिए, मुसलमान होने के बावजूद इनमें खास बात ये थी कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ के रखते थे। पर उन्होंने एक बात नोटिस की कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लीडर हिंदुओं के लिए तो बहुत खड़े हो गए, और इस वजह से कहीं ना कहीं हिंदुइज्म तो अपलिफ्ट हो गया। राजा राममोहन रॉय आ गए, स्वामी विवेकानंद आ गए, सब लोग आ गए, उन्होंने हिंदुइज्म को बहुत अच्छी तरह से अपलिफ्ट कर दिया। पर हम शायद क्योंकि हिंदुओं में इतनी नॉलेज नहीं होती, मुस्लिम कम्युनिटी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्ट किया सेकुलरिज्म के साथ कि हम सब एक है। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आपने आज बहुत सुना होगा, बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। 1875 में इन्होंने
मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था अलीगढ़ में, ये बना था ट्रांसफॉर्म होके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज का। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। फाउंडेशन ईयर था 1875। नाम याद रखना है सैयद अहमद खान, बहुत ही ज्यादा सेकुलर थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि हिंदुओं में तो काफी डेवलपमेंट करा जा रहा है, मुस्लिम जो मुस्लिम है उनमें डेवलपमेंट एक रह गया है, तो उसके लिए अपलिफ्टमेंट का काम मैं करता हूं। आगे हुआ भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर कौन थे? इनका नाम बी आर अम्बेडकर के नाम से ज्यादा फेमस है, शॉर्ट में आप जानते होंगे। बट इनके अंदर एक खास बात ये थी कि इनका मेन जो गोल रहता था कि सोसाइटी के अंदर जो लोअर तबके के लोग हैं, SC ST उनको आगे उठाना है। अगर वो उठ गए तो देश में कहीं भेदभाव नहीं होगा और कहीं ना कहीं देश में इक्वालिटी होने के कारण हम उस ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं और देश विकासशील तौर पर चलेगा। 1924 में डिप्रेस क्लासेस के लिए उन्होंने बनाया बख्शीद हितकारी सभा, ये बात आपको याद रखनी है, बख्शीद हितकारी सभा किसने बनाई? बी आर अम्बेडकर ने। इसके बाद बहिष्कृत भारत, मराठी में एक फोर्टनाइटली, एक मतलब ये कह लो 2 वीक्स का प्रोग्राम होता था, फोर्टनाइटली मतलब 2 वीक्स, 2 वीक्स का प्रोग्राम होता था बख्शीद भारत, जहां पर समझाया जाता था मराठी के अंदर कि हमें अपलिफ्टमेंट की क्या जरूरत है और हम इसे कैसे स्प्रेड करें कि पूरे देश में अपलिफ्टमेंट हो जाए। फिर था समाज समता संघ, ये एक सोशल इक्वालिटी के लिए इस चीज को आगे बढ़ाया गया था कि यहाँ पर हम देश में इक्वालिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तो अपलिफ्टमेंट की बात की थी, कैसे जो लोअर तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर बात की थी कि हमें कोई अंतर नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो या सिख हो या दलित हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पर एक आखिरी चीज थी पीपल एजुकेशन सोसाइटी, इसमें क्या होता था दलित के लिए कहीं भी एंट्रेंस नहीं मिलती थी, तो उन्होंने ये चीज बनाई पीपल एजुकेशन सोसाइटी, और यहां से ये जो दलित के वर्ग के लोग हैं ये पढ़ना शुरू कर दें, शुरू हो गया इनका। अब आता है इसमें भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनके अंदर बहुत सारे मतलब इन्होंने काम किए थे पॉलिटिकली, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब यहाँ पर होती है हमारी वीडियो का एंड। मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा, देखिए ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन कोर्स है, मतलब अगर आप CDS एफकेट और CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 रुपया देना है, वो भी सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो कि आप डेबिट कार्ड यूज करके लगेगी आपकी। बाकी आप CDS एफकेट CAPF की तैयारी फ्री में कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिस दिन से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो वहां पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है टॉप विथ प्लस, और आपका सब्सक्रिप्शन कोड आपके पास हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि जैसे आप 1200 रुपये का जब आप जाएंगे तो आपको 1 मंथ का सिलेक्ट करना है, उस 1 मंथ की कॉस्ट होगी 1200। 1200 में जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन, कूपन में जाके आपको डालना है टॉप विद प्लस, और ये जो 1200 रुपये हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0 रुपीज में। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से पे करना है और पे में आपकी सिर्फ 1 रुपी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी और आप CDS का प्लस कोर्स ले सकते हैं। कहानी होती है यहाँ पर खत्म। 2 किताबें हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं मगर मेरी वीडियो रोज ही देख रहे हैं। इन 2 किताबों का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड दूसरी किताब का नाम है द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। कहानी इन दोनों किताब में इस तरह से है कि ये किताब आपको अवेयर कराती है आपकी गलतियों के बारे में, और एक जो सक्सेसफुली इंसान बनने के लिए तैयारी की जरूरत होती है उस बारे में बात करती है। ये किताब लिखी गई थी 1986 में। कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें से कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उस बारे में बात करता है। फिर सेल्फ कंट्रोल की, कई चीजें ऐसी होती हैं हम पर्सनल इंटरव्यू में अपने आप ही बोलते चले जाते हैं, तो अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं और हार्ड टाइम में मोटिवेट कैसे करते हैं, जैसे एक OL की होती है लाइवलीनेस, उसकी बात यहाँ करते जाते हैं। फिर सेल्फ एक्सपेक्टेंसी, सेल्फ इमेज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड आखिर में सेल्फ प्रोजेक्शन, की आपने जो अब ये सब सीखा है इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। तो अगर आप इसे नोटिस करें पूरी कहानी को तो ये फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी सब बता देता है आपको। जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस ज्यादा आता है, और जब हम आगे चलते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाले या सेल्फ एक्सपेंडिचर, सेल्फ इमेज में, तो आपके सारे फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। एंड लास्ट में बचता है डिटरमिन करेज एंड स्टेमिना, वो आपका प्रोजेक्शन वाले में और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी इस किताब की। आगे चलते हैं अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये किताब आपको सेक्स प्लस रोमांस प्लस SSB में सारे जितने भी पार्ट होते हैं टैट वैट SRT इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है अपनी लाइफ के थ्रू। कट, अगली किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस किताब में टैट वैट
एसआरटी, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है थ्रू हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसमें ये अपनी लव लाइफ, सेक्स लाइफ, प्लस रोमांस, प्लस एडवेंचर, इन सब की बात करता है, जिससे ये किताब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये नॉवल की तरह आप पढ़ सकते हो एक सेटिंग में। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होगा तो हैशटैग वाचने करके मुझे बताइए, और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।